वैदिक सहायता कार्य की पुस्तक है, उसमें जितनी भी योजनाएं उनके लाभ बताना है। उसके अलावा और भी कई पोस्ट है, आध्यात्मिक पोस्ट है, आर्किटेक्टर की पोस्ट है, सुलहकर्ताओं की पोस्ट है, तो आप एलएलबी करके अटेंड कर लीजिए और इससे वकीली पढ़ सकते हैं या फिर वकील के लिए आप एलएलबी करें। एलएलबी के बाद बहुत सारे क्षेत्र होंगे, 5-6 सरकारी नौकरियाँ, उसके बाद प्राइवेट में बहुत सारे क्षेत्र हैं। अगर आपको लगता है कि वकालत की जगह 4-5 लोग मिलकर एक कंपनी बना सकते हैं, कोई क्रिमिनल लॉ वाला है, कोई कंपनी लॉ वाला है, कोई सिविल लॉ वाला है, ये सब मिलकर मतलब जैसे हमारा ऑफिस में कोई आए तो वो बाहर नहीं जा सकते, हम उसको अपना काम बता देंगे, मिलकर मार्केट कर लिए कंपनी बना के, सिविल लॉ भी कर लेगा, चेक बाउंस के मामले कर लेगा, इंक्वायर करते रहते ये भी हमारा कर सकते। उसके अलावा हाईकोर्ट में वकील कर सकते हैं, पर उसको भी अपनी कंपनी से यहाँ पास तीस लाख आते हम उसको हाईकोर्ट में अपनी डिविजन दे सकते, उसको क्या एक तरीके से बिल्कुल संयोजित तरीके से काम करेंगे अपन, तो वकालत भी अच्छी चलेगी और वकालत क्षेत्र में ये एलएलबी क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा स्कोप मिलेगा आगे चल। इंजीनियरिंग और उसमें पीएमटी कैसे होती है, क्लैट होती है, इसलिए क्लैट होने लगी, उसमें भी उसको चुने हुए विद्यार्थी एनआरआई भी चुने जाते हैं, एलएलबी में बहुत सारे है ना। मेरा बेटा भी कलकत्ता में गया है, 211 उसकी क्लैट, वो जो बच्चे निकलते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अब प्रिपेयर होकर दिया जाता है, उनको कंपनी हायर कर लेती है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ ले लेती है, टाटा बिरला स्टाइल हो गई, और वो मतलब उनका करियर 4 ईयर से उनको जॉब मिल जाता है। एलएलसी को अपन ऐसे इतना थोड़े समझे कि हम पहले वैसे कर लेते हैं, चलो जाते हैं एलएलसी करते हैं, एमए करके क्या करेंगे, बीए करके क्या करेंगे, एमए करके एम काम करके क्या करेंगे, ये उसका करियर प्रस्तुत करो और पढ़ो और उसको पूरे जीवन के क्षेत्र में वो काम आएगा। कोई साइबर एक्ट है, मतलब पूरा पढ़ते ही आ रहा है, लाख काम नहीं होगा, कोई आप देखोगे एक नए कानून पढ़ रहा है, महिलाओं के प्रति कानून पढ़ रहा है, पास पास को एक्ट पढ़ रहा है, तो भी हमने कानून है उसका क्षेत्र विस्तृत हो रहा है। और भी पूछना तो बताओ, पास को जाके अगस्त महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं उसके लिए बनाया गया, उसके लिए अपन को क्या है कि महिलाओं में छोटे टच बैक टच की शिक्षा दी जाती है, बच्चे होते छोटी 5-6 साल से पढ़ते हुए बच्चे स्कूलों के बच्चों को कि आप लोगों को बताना चाहिए, उसमें क्या होता है घर के जो रिश्तेदार हैं मतलब सही रिश्तेदार ये सब अपराध करते हैं, वो समझ नहीं पाते रिक्शे वाला है, ऑटो वाला है, बस वाले हैं कि हमें ले जा रहे हैं ला रहे हैं, टच कर रहे हैं वो करें, वो अपन समझ नहीं पाते, बाद में मतलब बदनीयती से करते हैं। ये चीज़ आप लोगों को प्रचार प्रसार करना छोटे छोटे बच्चों, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वो समझ में जाएगा कि ये आदमी सही है करें, और अपन को किसी का भी कोई लाभ नहीं है, कोई भी अगर एक चाकलेट भी खिला रहा है आपको तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका कोई मकसद है। आजकल कोई अपने भाई भाई को पान मतलब चाय खिलाता है कोई मकसद होगा, ये बच्चियों को ध्यान रखना चाहिए कि कोई बिना किसी कारण से क्यों उसके ऊपर इतना मेहरबान होता है, इसलिए उसको अपना ये चीज़ घर वालों को। दूसरा, अगर घर के कोई सदस्य कर रहे हैं अपनी माँ को बता रहे हैं, मामा वगैरह माँ को नहीं मानते, पिता नहीं मानते तो स्कूल के टीचरों को बताया, टीचर उनको माँ बाप को समझाएंगे कि लड़की में हमारे ऊपर बता रहा है इस तरीके से, तो आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी, दूसरे के प्रति रहना चाहिए। आज एक थप्पड़ मारेगा कोई हजार रुपये दो मारेगा तो 20 मारेगा, ये वैवाहिक महिलाओं के साथ नहीं होगा, शादी के बाद ऐसी जाती है अगर दहेज पर कामना की जाती है तो उसकी जाती है, तो उनको अपनी आवाज़ उठाना चाहिए, कानून का साथ देगा, अगर वो सहन करते हैं तो वो करना पड़ती जाती है, तो जाके वो आत्महत्या और करना दहेज परिवार के नाम तलाक होगा, तो ये अपन अभी से बचपन तक अगर हमारी आदत हो जाएगी सोचों के खिलाफ लड़ देंगे उसके बाद हम पर आगे चलते हैं हमारे दिमाग में बात जाएगी। बहुत सारी ऐसे महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना है, बहुत सारे सहयोग है, सेंटर बनाए गए हैं, सब महिला उत्थान का पूरा काम चलता है, वास्तव में इसी संबंधित है तो आप लोग देखते हो, और कोई कानून का भी कोई बड़ा नहीं है, आप लोग देखते लालू वालू सब बड़े बड़े रहते हैं, खेल में जितने भी अपराध अगर आपने शिकायत सुनी